रुख एक बेहद गंभीर, दिल को झकझोर देने वाली खबर का। हाथरस में दरिंदगी की शिकार बेटी की 15 दिन के बाद मौत हो गई है। 19 साल की पीड़िता ने आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया है। 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की इस बेटी के साथ चार दबंगों ने, दरिंदों ने गैंगरेप किया था। लड़की की स्थिति इतनी खराब थी कि 9 दिन तक उसे होश तक नहीं आया था। आरोपियों की पहचान गांव के ही रहने वाले लोगों के रूप में हुई थी। इन सभी चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की मौत पर अब राजनीति शुरू हो गई है। मायावती ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सुनवाई की मांग की है तो प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की, न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हाथरस में हैवानिया झेल ने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। हाथरस, शाहजहांपुर, गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आप, योगी आदित्यनाथ, जवाब दें हैं। ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, लेकिन कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ पर यहां सवाल हैं और ये लगातार आप देख रहे हैं। यूपी में बेटियों की सुरक्षा, लेकिन यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से हमारे संवाददाता अभिषेक ने इस घटना पर सवाल पूछे। हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं और प्रवक्ता हैं। सर, जिस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, उसकी मौत हो गई दिल्ली में, सरकार कहाँ खड़ी है, क्या कहती सरकार? जो हाथरस की घटना है, ये हृदय विदारक घटना है और इसमें सरकार की तरफ से जो संवेदना है, हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरी की पूरी सरकार जो है, उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करते हुए, और ये संवेदनशील घटना है और इसलिए इस पर जो भी कार्रवाई कानूनी एक तो होता है पहलू, जब FIR के लिए आए तो उसको डिले नहीं किया गया था, तुरंत इस पर FIR दर्ज किया गया था और जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ा भी गया और कार्रवाई चल रही है कानूनी, और मैं इतना कह सकता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के तहत होगी, इसमें कोई ढिलाई नहीं देखी जाएगी। और दूसरी होती है कि इसको किसी, मैं तो इसमें कठिनाई होती है बोलते समय, मगर परिवार को कुछ धनराशि, मतलब हेल्प भी दी जाती है, मेरे से ये थोड़ा कठिनाई का लिए होता है, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं भी लगता, मगर वो सरकार ने पूरा का पूरा दिया है और सरकार उनके साथ खड़ी है और पार्थिव शरीर जो है उसको जल्द से जल्द परिवार को मिल जाए और उसके लिए भी पूरा प्रयास हो रहा है और ऊंचे स्तर पे प्रयास हो रहा है, तो वो भी किया जा रहा है, मगर ये घटना जो है वो दिल हिलाती है और जो दोषी हैं उनको एक मिसाल के रूप में उन पे सजा की दी जाएगी जो कि कानून के तहत होगी। इस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ या नहीं, इसे लेकर भी विवाद चल रहा था। FIR में गैंगरेप का जिक्र तक नहीं किया गया, लेकिन हाथरस के DM का कहना है कि लड़की के बयान के आधार पर गैंगरेप की धारा बाद में जोड़ी गई। हाथरस में दलित लड़की की मौत हो गई है जिसके साथ गैंगरेप हुआ था। हालांकि शुरुआती जो पहली FIR हुई थी उसमें आपसी रंजिश की बात बताई गई, लेकिन क्या सचमुच ये पूरा का पूरा मामला क्या है, इस वक्त हमारे साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार है। प्रशांत जी, आज में स्वागत है। ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उस लड़की के साथ जो कि दलित थी उसके साथ चार लोगों ने गैंगरेप किया है और उसके बाद अस्पताल में उस लड़की ने दम तोड़ा। ये दुखद घटना जो है 14 सितंबर को 9:30 बजे की बताई जा रही है। इस संबंध में 14 तारीख को ही, 14 सितंबर को 10:30 बजे पीड़िता स्वयं अपने भाई के साथ थाने पर उपस्थित हुई तथा उनके भाई ने अपने स्वयं के हस्तलेख में एक एप्लीकेशन थाने को दिया जिसमें रंजिश वाली बात बताई और एक व्यक्ति को नामजद किया जिन्होंने गला दबा के हत्या करने की कोशिश की और
10:30 बजे ही FIR उचित धाराओं में 307 तथा जो SC/ST एक्ट की जो सब सेक्शंस हैं उसमें दर्ज की गई तथा उसी समय उनके मेडिकल कंडीशन को देखते हुए हम लोगों ने उनको जिला अस्पताल रेफर किया। बाद में वहां से उनकी मेडिकल स्थिति को देखते हुए AMU ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया। उन्होंने बताया था कि उसकी माँ और वो खेत पे काम कर रही थी, चारा काटने गई थी, तो किसी ने उसको मारने की नीयत से, गला दबा करके मारने की नीयत से उस पर हमला किया और 14 तारीख को ही 307 और SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें उन्होंने एक ही अभियुक्त बताया था और शीघ्र ही उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसको अलीगढ़ रेफर किया गया जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं थी, इस कारण से 22 तारीख को पीड़िता के बयान लिए गए और पीड़िता के बयान के आधार पर गैंग रेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई और पीड़िता ने जो पहले एक अभियुक्त था उसके अलावा तीन और अभियुक्त के नाम बताए, उसमें से एक अभियुक्त को 22 को उन्होंने नाम बताए और 23 को हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके बाद हमने 25 को दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया और 26 को तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।